Today we are going to do the digital rectal examination. Apart from that, we are going to do the proctoscopy as well. अच्छा, सबसे पहले जब हम DRE करते हैं तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग दैट मेरा नाम डॉक्टर फलाह है, मैं आपकी जो है वो आपकी जो बड़े पेशाब वाली जगह है उसकी मैं मुआयना करूँगा. उस दौरान आपको कोई मसला नहीं होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोना टेक अ कॉन्सेंट. कॉन्सेंट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोगों ने पेशेंट को एक्सपोज पोजिशन को प्रॉपर करेंगे. पोजिशन ऐसी होती है जिसको हम सेम पोजिशन कहते हैं, जो पेशेंट का बटक्स हेड टूवर्ड, इट बेसिकली हैज़ टू बी टूवर्ड द एज ऑफ द बेड, ठीक है. इसके अलावा जो है वो नी जो होंगे वो बेंड होंगे, ठीक है. पोजीशन हमारी प्रॉपर हो गई है, ठीक है. इसके बाद हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है. इंस्पेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग इसको प्रॉपरली यहाँ से करेंगे. दोनों हमारी जो एनल जो स्किन्स हैं, ठीक है, वो हम लोग सेपरेट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई फिशुला वगैरह, कोई टैग्स वगैरह, कोई एब्सेस तो नहीं है हमारे पास, एनी रैशेस, सही है. ये हो जाएगा, ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने जो है प्रॉपर अपनी DRE जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है. फॉर दैट वी हैव टू वेयर अ ग्लव्स, ठीक है. ग्लव्स राइट साइड पे दो ग्लव्स पहनने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी के नेल्स बड़े हैं तो वो जो है वो पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है इससे, ठीक है. एंड दूसरे हैंड में जो है वो एक ग्लव्स पहनना है. और फर्स्ट लुब्रिकेंट होगा विच इज ज़ाइलोकिन, ठीक है. लुकनेकिन, ज़ाइलोकिन, वट एवर यू हैव, ठीक है. इससे लुब्रिकेट करके, ठीक है, हम लोग जो है वो फिंगर हमने क्या करना है कि हम लोगों ने बेसिकली वी गो 6 to 12, ठीक है, ऐसे अंदर लेके जाके, फिर इसके बाद जो है ना इसको हम लोगों ने 360 डिग्री पे रोटेट करना है, ठीक है. अगर मेल होगा तो आप प्रोस्टेट देख लो, प्रोस्टेट इनलार्ज है कि नहीं है. फीमेल है तो आप यूट्रस अगर इनलार्ज होगा तो वो भी आपको पता लग जाएगा. अगर फाइब्रॉइड वगैरह है वो पता लग जाएगा. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब फिंगर निकाल लेंगे तो वी कैन चेक एट द फिंगर, यहाँ पे कोई ब्लड वगैरह, कोई म्यूकस वगैरह, इफ़ यू वॉन्ट टू स्मेल इट एज वेल, बिकॉज सम डिजीज आर रिलेटेड to that pathology, so we can smell it as well, and then we're going to be done with the DRE, we're going to clean it, sahi hai. Iske ilawa agar hum proctoscopy karna chahenge to same cheez hum logon ne jo hai wo lubricant le lena hai, theek hai, usko yahan pe laga lena hai, theek hai. After iske parts sabse pehle kar lete hain. This is the obturator, this is the sheath and this is the handle, ठीक है. अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रॉपरली इसको हम लोगों ने ऐसे होल्ड करना है, ठीक है, ऐसे होल्ड करना है ताकि हमारे पास स्लिप भी ना हो और इसमें म्यूकस भी ना म्यूकोजा भी ना आ जाए, ठीक है. अब हम जाएंगे कैसे, हम बेसिकली गो फ्रॉम दिस डायरेक्शन 12 to 6, ठीक है, और फिर इसके बाद ये अंदर हो जाएगा, ठीक है. इसके बाद जो है ये ऑब्टूरेटर निकाल लेंगे, ठीक है. एंड हमारे पास प्रॉपर लाइट सोर्स होनी चाहिए, ठीक है. अब लाइट सोर्स होगी, हम इसके अंदर देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता निकालते जाएंगे. अगर कोई हमारा हेमोराइड होगा, कोई हमारी स्वेलिंग होगी, तो वो इसके अंदर जो है वो हमें बैक साइड पर नजर आएगी, ठीक है. एट द एंड वी गोना रिमूव इट, ठीक है. वी गोना क्लीन द पेशेंट एंड वट एवर द फाइंडिंग्स वी हैव, विल टेल द एग्जामिनर, विल कवर द पेशेंट, विल थैंक द पेशेंट. दैट्स इट फॉर देम. थैंक यू.